हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा और पंजाब के किसान कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं और ये विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों की ओर से हुंकार भरी गई कि 26 नवंबर को वो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली कूच करके वो सरकार से, केंद्र सरकार से मांग रखेंगे कि इन कृषि कानूनों में संशोधन किया जाए, एमएसपी बरकरार रखने की जो बात बार बार सरकार की ओर से कही जा रही है वो लिखित में किसानों को दी जाए और संशोधन करके जो तमाम ड्राफ्ट है उसमें भी वो बात शामिल की जाए। लेकिन ऐसे में प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के बीच में ये हिदायतें भी दे रही है कि कहीं पर भीड़ एकत्र ना हो और इसीलिए जो तमाम बॉर्डर्स है वो भी सील कर दिए गए। हमारी रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों पर घमासान जारी है। कृषि कानूनों पर अपना रोष जताने के लिए किसान 26 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन करेंगे। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए किसानों ने अब दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। इससे पहले हुए किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर दी हैं। उधर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दो दिन तक पंजाब बॉर्डर सील किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। संगठनों ने दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है हम उसको उचित नहीं मानते हैं और उसको उचित न मानते हुए लायन रोड की स्थिति बनी रहे इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहां जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली कूच में हिस्सा लेंगे। हालांकि प्रशासन ने किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से पहले ही रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली की ओर ना जा सके मैं कैथल के जींद रोड बाईपास नाके पर खड़ा हूँ। यहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी किसान दिल्ली की ओर ना कूच कर सके। सरकार ने 2 से 3 दिन पहले ही किसानों को उनके घर से उठा लिया था और नजरबंद किया हुआ है ताकि किसान दिल्ली के आंदोलन में भाग ना ले सके और ज्यादा भीड़ ना कर सके। मेरे साथ पुलिस के सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार है। मैं इनसे आपकी सीधी बात कराऊंगा। सर किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं आप, इधर देख के बताएं। आने वाले व्हीकलों को चेक करें सर, उन पर कड़ी निगरानी है। तो किस तरह के आदेश मिले हैं कैथल एसपी की तरफ से आपको? ये आदेश मिले हैं सर, दिल्ली की ओर किसानों को जाने नहीं दिया जाए, उनको यहीं रोका जाए। हालांकि किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने प्रदेश भर में कई किसान नेताओं के घरों पर दबिश दी और गिरफ्तार किया। गोहाना में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान समेत कई किसान नेताओं को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद जिलों में किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन होने वाली अव्यवस्था से बचने के लिए कई जगहों पर धारा 144 लागू किया गया है। इसी के तहत प्रदेश के सभी बॉर्डर पर 26 से 27 नवंबर को धारा 144 लागू रहेगी। झज्जर में भी प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं, जहां पुलिसकर्मी हर गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है। पंजाब से जो किसान आएंगे उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हमारे साथ एसडीएम गुला हैं। इनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियां की गई हैं। मैडम किस तरह की तैयारियां हैं? हमारा मकसद है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काबू में रहे, आमजन को सुविधा किसी तरीके की असुविधा ना हो उसका हम इंश्योर कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो रेगुलर गाड़ियां हैं वो आना जाना उनका चालू है और जब अगर कोई किसान का आंदोलन या प्रोटेस्टर्स आएंगे तो हम डाइवर्जन उसी अकॉर्डिंगली पुलिस डाइवर्जन रूट बताएंगे। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की तैयारियों के बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं और कोई ताकत उन्हें दिल्ली पहुंचने से नहीं रोक सकती। आंदोलन चल रहा है, उसमें हमने 25 तारीख को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब सरकार ने बहुत ज्यादा सख्ताई कर दी है और हमारे बहुत से प्रधानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत से प्रधान हमारे भूमिगत हो चुके हैं, पुलिस
दिन रात उनके पीछे पड़ी हुई है। अब हमने थोड़ा सा प्लान बदल दिया है, अब शंभू बॉर्डर की बजाय मौड़ा मंडी पे इकट्ठे होना है। तो जिला अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इनके जो किसान हैं वो कल 11 बजे से पहले पहले मौड़ा मंडी जो जीटी रोड के ऊपर है वहां पे पहुंचना, और मंडी के अंदर इंटर नहीं करना है, मंडी के बाहर ही खड़ना है। यानी कृषि कानून को लेकर किसानों का गुस्सा चरम पर है और प्रशासन किसी भी तरह से किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की तैयारी में है। अंबाला में भी किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। यहां हरियाणा पंजाब सीमा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। कृषि कानून को लेकर चल रहे किसानों के विरोधाभास की वजह से सरकार की ओर से कमेटी गठित की गई थी, जिसका काम किसानों को जानकारी देना था और समन्वय बनाना था, लेकिन देखा जा रहा है कि इससे भी किसानों और सरकार के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हुई। ऐसे में सवाल यही रह कर उठता है कि क्या आंदोलन के जरिए कृषि कानूनों के विरोध का समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।